मिर्जी के बाद दरगाह में सूफी इस्लामिक बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद कौसर हसन मजीदी के साथ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सैयद हबीबुर रहमान नियाजी, जयपुर जिला अध्यक्ष वाहिद रेहजदानी, महासचिव अशफाक नकवी, अमन शाह दरगाह के सज्जादा नशीन मोहम्मद सलीम शेख, सांगानेर दरगाह के सज्जादा नशीन कल्लू खान पीर, जयपुर ग्रामीण अध्यक्ष निजामुद्दीन व कई जिम्मेदारान ने शिरकत की। बैठक में संगठन को प्रदेश में मजबूती को लेकर चर्चा की गई। देश में भाईचारा हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने को लेकर भी चर्चा हुई। रमजानुल मुबारक के महीने का इस्तकबाल करने व रमज़ान के महीने में सरकारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए नमाजों की अदायगी हो और दुआ की जाए कि इस कोरोना जैसी वबा से अल्लाह ताला दुनिया से उठा ले। आज हमारे ऑल इंडिया सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता कौसर अफजल मजीदी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। कुछ देर के लिए यहाँ रुके हैं, अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए थे तो यहाँ पर भी दरगाह में हाज़िरी दी। तो हमने यहाँ जो ये पूरे मुल्क में एक इंतशार सा फैला हुआ है और हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे को ठेस पहुँचाने वाली बातें थोड़े थोड़े दिनों बाद उजागर होती हैं, उन पर हमने यहाँ डिस्कस किया और तबादला ख्याल किया कि किस तरीके से इन ताकतों से हम अपने आवाम को बचा सकते हैं और किस तरीके से देश को एक रखने की बात हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा मसला इस वक्त देश को एकता में पिरोने का है। क्योंकि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो वो ये नहीं चाहती कि देश में अमन व अमान रहे। जाहिर है कि जब देश में अमन व अमान नहीं रहेगा तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है, और जब तरक्की नहीं करेगा तो दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल नहीं सकता है। ये कुछ ताकतें ऐसी हैं जो ये नहीं चाहती हैं कि जो हिंदुस्तान 6 बिग पावर्स में से बने। जब जब कहीं सुरक्षा परिषद में या किसी में अस्थाई सदस्य की बात होती है, जब ये लोग ज़्यादा वेला करते हैं कि ताकि हिंदुस्तानी जो हैं आपस में ही लड़ते रहें और बाहर की तरफ वो ध्यान ही नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जो और मसाइल हैं तमाम हिंदुस्तान में, उनके तरफ से जो ध्यान हटा के एक ही तरफ ध्यान लगाया जाता है, उनमें बात करने की है। और सूफी इस्लामिक जो मिशन क्या चीज़ लेके चल रहा है और यहाँ क्या होगा, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट के जो अराकीन हैं सूफी इस्लामिक बोर्ड के, उन मेम्बरान को भी बुला ली जाए और आपसे सूफी साहब से हमारे कौसर मजीदी साहब के जो डायरेक्शन होगा उस हिसाब से ये काम करेंगे और आगे क्या ये बोर्ड काम कर रहा है इसके बारे में आपको हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी साहब बताएं। बोर्ड हिंदुस्तान के उन सच्चे सूफियों का संगठन है जो राष्ट्रवादी विचारधारा पर चलते हुए देश का विकास करना चाहे। देखिए, सदियों से हमारे बुज़ुर्गों की ये परंपरा रही है कि हम लोगों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने अपने आस्थानों में, अपने खानकाहों पर बिला तफरीक मजहब व मिल्लत और बग़ैर किसी ज़ात के या बग़ैर किसी तबके के या मनसब की परवाह करते हुए हर तरह के लोगों, दबे कुचले समाज के शोषित वंचित तबके के लोगों को अपने दामन में, अपने आंगन में जगा दी है। तो उसी मिशन को लेकर के हम लोग पूरे हिंदुस्तान में दौड़ रहे हैं और इस प्रयास में लगे हुए हैं कि देश में एकता और अखंडता स्थापित की जाए। देखिए, हिंदू और मुसलमान ये इस देश की आत्मा है और इस पर हमला करना, हिंदू मुस्लिम एकता पर हमला करना देश की आत्मा पर हमला करने के बराबर है। हम लोग उन सारी ताकतों को चिन्हित करके सरकार को बाखबर कर रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि आप ऐसी ताकतों से देश को बचाइए, जिनमें एक सबसे बड़ी ताकत जो तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया के शह पर हिंदुस्तान में तबाही बर्बादी करने के लिए खिलाफत 2 का एजेंडा लाना चाहती है, वो PFI है। और दुर्भाग्यवश उसके कदम जो है हमारे मुल्क की खानकाहों में भी घुस रहे हैं और कुछ जो है सूफिज़म का लिबादा ओढ़े हुए कुछ फर्जी और झूठे ढोंगी सूफी जो है उसकी तायद कर रहे हैं ताकि जो है देश का माहौल ख़राब किया जा सके। हम अपने नौजवानों को बेदार करते हैं कि ऐसे लोगों से बचें और मुल्क में अमन शांति का माहौल बनाए।
Thank you.